दिस इज अंकुल्स फ्राम टीपल एज एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन इन द अनदर लेक्चर इन इकोनॉमिक्स एंड टूडे विल बी डूइंग डेमोग्राफी तो हम जेके पी एस आई की जो क्लासेज चल रही हैं इकॉनमी की उसका सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये द लास्ट टॉपिक इज सोशल सेक्टर इनिशियेटिव जो नेक्स्ट लेक्चर में सोशल सेक्टर इनिशियेटिव मैं कंप्लीट करवा दूंगी आपका ठीक है टुडे विल भी कवरिंग डेमोग्राफिक्स जो आपके सिलेबस में है जेके पी एस आई की और अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो उस उसके लिए भी डेमोग्राफिक्स आप स्टडी कर सकते हैं यहाँ से ठीक है देखिए डेमोग्राफिक्स जो है ना एक्चुअली व्हाट इज़ डेमोग्राफिक्स डेमोग्राफिक्स इज सिंपली द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जब भी हम ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं वो डेमोग्राफिक्स उसको कहते हैं हम ठीक है डेमोग्राफिक्स जो है ये हम आ, मतलब यहाँ पर आपके सिलेबस में ये इकोनॉमी के अंडर दिया हुआ है तो बिल्कुल ये इकोनॉमी में भी कंप्लीट होता है ये चैप्टर हम डेमोग्राफिक्स जो है स्टैट्स में भी पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते हैं ठीक है हम इसको जोग्राफी में स्टडी करते हैं सोशोलॉजी में पढ़ते हैं जिसमें हम सोशल डेमोग्राफिक्स की बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे भी ये ठीक है एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम डेमोग्राफिक पढ़ते हैं तो डेमोग्राफी इज़ एक्चुअली हम कह सकते एक ऐसा कॉमन टॉपिक है विच इज़ कॉमन टू मेनी सब्जेक्ट्स एक्चुअली ठीक है तो चलिए बात करते हैं डेमोग्राफिक्स की तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी ठीक है तो डेमोग्राफी इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड इट इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोस विच मीन्स द पीपल एंड ग्राफो विच मीन्स राइटिंग डिस्क्रिप्शन मेजरमेंट स्टडी ठीक है ये सारी चीज़ें जो हैं डेमोग्राफी का इसका मतलब है ओके okay? तो डेमोग्राफी मतलब इस तरीके से एम पूछा जा सकता है कि जो डेमो वर्ड है या जो डेमोग्राफिक वर्ड है डेमोग्राफी जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है स्पेनिश से डिराइव हुआ है जर्मन वर्ड से डिराइव हुआ है ठीक है तो यू हैव टू राइट डाउन इट इज़ ग्रीक वर्ड ओके तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओके okay. नाउस्ट ई डेमोग्राफी इज वर्ड डेमोग्राफी इज अ स्टेटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस ओके जिसमें हम साइज़ जो है स्ट्रक्चर मूवमेंट्स ये सब पढ़ते हैं और हम इसमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स का मतलब है जिसमें हम बर्थ्स मैरिज डेथ्स इन सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं ठीक है तो दैट इज बेसिकली दी डेमोग्राफी नाउ डेमोग्राफी और टू पुट इट सिंपल डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन व्हेन वी स्टडी ह्यूमन पॉपुलेशन व्हेन वी स्टडी दी चेंजेस ट्रेंड्स विच आर कमिंग इन टू क्या uh, मतलब चेंजेस आ रही हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में तो वो सारा किस में आ जाता है डेमोग्राफी में आ जाता है ठीक है ओके नाउ द रूट्स ऑफ स्टेटस्टिकल डेमोग्राफी मे बी फाउंड इन दी वर्क ऑफ दी इंग्लिश स्टेटस्टिशन जॉन ग्रांट जी हाँ जॉन ग्रेंट जो है ये इंग्लिश स्टेटस्टिशियन थे ओके okay, ब्रिटेन के थे स्टेटस्टिशियन थे जॉन ग्रेंट जिन्होंने सबसे पहले डेमोग्राफी को स्टडी करना स्टार्ट किया ओके okay, तो इनको हम फादर और फाउंडर ऑफ डेमोग्राफी भी कहते हैं ओके okay, इनका इनका जो वर्क था इन इन्होंने इनका जो भी काम था ठीक है जॉन ग्रैंड का वो किस में लिखा हुआ है दैट इज़ बीन रिटर्न इन दी नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन्स मेड अपॉन बिल्स ऑफ मोर्टेलिटी इन सिक्सटीन सिक्सटी टू ओके तो बेसिकली सिंपल है कि अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि हु इज़ द फादर ऑफ डेमोग्राफी और हु इज़ द फाउंडर ऑफ डेमोग्राफी अगर इस तरीके से पूछा जाए तो द आंसर इज जॉन ग्रैंड ठीक है तो जॉन ग्रैंड इज़ नोन एज द फादर और द फाउंडर ऑफ डेमोग्राफी ओके और अगर आपको पूछा जाए कि कहाँ पे मतलब कौन सा कौन सा वर्क है जॉन uh, ग्रैंड का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जिससे कि डेमोग्राफी के बारे में पता, पता चलता है हमें तो दैट इज़ द नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन्स मेड अपॉन द बिल्स ऑफ मॉर्डेलिटी और कब था 1662 में था ठीक है ईयर तो आई डोंट थिंक सो ईयर का पूछना इतना इंपॉर्टेंट है बट हाँ फादर या फाउंडर पूछा जा सकता है दो विच इज़ जॉन ग्रेंट ओके अब क्या हुआ कि देखिए फादर या जो फाउंडर है डेमोग्राफी की यानी कि जिसने सबसे पहले बात की डेमोग्राफी की या फिर जिसने सबसे पहले हमें आइडिया दिया डेमोग्राफी का कि क्या हो सकता है तो वो तो जॉन ग्रेंट हैं लेकिन सबसे पहले ये वर्ड डेमोग्राफी वर्ड जो है ये किसने क्वाइम किया था ये वर्ड सबसे पहले या फिर सबसे पहले ये वर्ड यूज किसने किया था तो ही स्टेटस्टिशियन बेल्जियन के स्टेटस्टिशियन है एचले इन तो है, है, 1885 सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन आता है कि टर्म डेमोग्राफी जो है ये क्वाइन किसने की थी या ये सबसे पहले वर्ड यूज़ किसने किया था तो दैट इज एक्चुअली गुलियार्ड इन 1885 ठीक है और इनका जो काम था दैट इज इनकी जो पब्लिकेशन थी दैट इज़ एलिमेंट्स डी स्टेटस टिक्यू ह्यूमेन ओ डेमोग्राफी कंपेयर ठीक है तो ये जो है ये काम था ये पब्लिकेशन थी किसकी एचुले गुलियार्ड की ओके uh, okay? तो यहाँ से दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने स्टडी किए विच इज़ The father or founder of demography, who is John Grant, and who is the and who uh, is the person who has actually coined the demographic term or used the term. So that is the Belgian statistician Gulliard in 1885. So this you need to remember the difference between both of them. Ek ne coin ki hai term or ek founder hai term k ke demographic. Ke. Yeah. Okay. Now see this is what इज डेमोग और डेमोग नाउर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेमोग्राफी के कुछ स्टेजेस हैं या डेमोग्राफी साइकिल इसको हम कहते है, okay? है, हैं ओके क्या स्टेज हैं अब हम स्टडी करेंगे तो देखिए स्टेज वन जो है यहां पर मैंने पांच वाइटल स्टेजे हैं जिनकी बात करेंगे तो मैक्सिम जो है ये हम आ, पांच स्टेज की ही बात करते हैं ठीक है अब ये पांच स्टेजेस क्या हैं ये पहली स्टेज जो है दैट इज देखिए फर्स्ट स्टेज इज वेन बर्थ रेट इज़ हाई एंड डेथ रेट इज ऑल्सो हाई जब बर्थ रेट भी हाई है जब बर्थ रेट भी हाई है ओ डेथ रेट भी हाई है ठीक है जब बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है ओके और, okay? और इस टाइम पर ये ऐसा टाइम है जहाँ पे birth rate is almost equal to death rate. बर्थ रेट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डेथ रेट यानी जितनी बर्थ्स हो रही हैं उतनी डेथ्स भी हो रही हैं सो दिस इज द पॉइंट ऑफ हाई स्टेशनरी तो हम देखो जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल हैं तो स्टेशनरी पॉइंट हो गया ना स्टेशनरी है और हाई है हाई स्टेशनरी इसलिए है क्योंकि बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी ज़्यादा है ठीक है जी दिस इज़ दैट कंडीशन जहां पे बर्थ रेट हाई है यानी कि बर्थ को कंट्रोल करने का अभी कोई भी मेथोडोलॉजी जो है वो अभी अडॉप्ट नहीं की गई है यहाँ पे ठीक है जहां पे आप कह सकते हो फैमिली प्लानिंग की कोई बात नहीं है यहाँ पे ओके okay? तो दैट मीन्स बर्थ रेट इज़ हाई एंड डेथ रेट इज़ हाई यानी कि लैक ऑफ मेडिसिनल फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो डेथ रेट इज़ ऑल्सो हाई सो इन दैट केस इट इज़ द केस ऑफ हाई स्टेशनरी ओके High stationary stage when birth rate is high and death rate is also high. Okay. Now coming up on to stage 2. Stage 2 says when the birth rate is high and the death rate is low. ना वाट हैपनिंग यहाँ पर क्या है इस केस में स्टेज टू में क्या है कि आप देख सकते हैं कि डेथ रेट जो है वो लो हो चुकी है यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई हैं अवेयरनेस आ गई है कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई हैं यहाँ पर तो इसी लिए डेथ रेट थोड़ी सी लो हो गई है लेकिन बर्थ रेट इज़ स्टिल हाई यानी कि अभी भी जो है फैमिली प्लानिंग की ठीक है या फिर बर्थ को कंट्रोल करने की बात अभी यहाँ पर नहीं हो रही है ओके सो द बर्थ रेट इज़ हाई बट इट डेथ रेट हैज़ बिन लोअर्ड डाउन तो इस केस में बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है डेथ रेट से आप ये देख सकते हैं बर्थ रेट इज इज हायर देन द डेथ रेट नाउ दिस इज द स्टेज ऑफ अर्ली एक्सपैंडिंग यानी द पॉपुलेशन इज एक्सपैंडिंग तो अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज है ये एंड एंड मैनी अफ्रीकन कंट्रीज में ये स्टेज देखने को मिलेगी ओके नेक्स्ट इज स्टेज थ्री एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज क्योंकि इंडिया फॉल्स इन दिस स्टेज इन द ब्रेकेट्स आई हैव रिटर्न डाउन इंडिया तो इंडिया में जो है ये स्टेज फॉलो हो रही है तो इस स्टेज को आप ध्यान से देखिएगा स्टेज थ्री दैट इज बर्थ रेट इज लो एंड डेथ रेट इज वेरी लो ओके यानी डेथ रेट जो है वो बर्थ रेट से ज्यादा कम है यानी बर्थ रेट जो है वो अब थोड़ी ज्यादा है डेथ रेट से तो जब बर्थ रेट जो है वो ज्यादा है डेथ रेट से यानी कि पॉपुलेशन इज एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है ना बर्थ तो ज्यादा हो रही है नंबर ऑफ बर्थ ज्यादा हो रही हैं नंबर ऑफ डेथ से लेकिन हाँ जो पहली स्टेज के मुकाबले में अभी यहाँ पे हमने बर्थ रेट थोड़ी कंट्रोल की है थोड़ा सा बर्थ रेट लो यानी कि बर्थ रेट लो का ये मतलब है कि दी कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग हैज़ कम ठीक है अब फैमिली प्लानिंग जो है लोगों को अब पता है फैमिली प्लानिंग के बारे में लोग अवेयर हैं ठीक है थीके? आप आज के डेट में भी देखेंगे लोग जो हैं वो मतलब दो बच्चों से ज़्यादा करना नहीं चाहते हैं ठीक है इनफैक्ट आज मतलब सिंगल चाइल्ड का कॉन्सेप्ट भी आजकल चल चल पड़ा है ठीक है तो वैसे भी जितनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की उस हिसाब से तो सिंगल चाइल्ड का क्या ही कॉन्सेप्ट चलेगा तो हमारा शायद पॉपुलेशन थोड़ी कंट्रोल में रहेगी ठीक है तो अब हम देख सकते हैं यानी कि कुछ अवेयरनेस है बहुत ज़्यादा नहीं है बट लिमिटेड अवेयरनेस मतलब ये है ठीक है फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका है तो यहाँ पर हम देखेंगे बर्थ रेट इज़ लो एंड डेथ रेट इज़ वेरी लो वाई बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी हैं अब थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल फैसिलिटीज़ आर बींग लाइक थोड़ी हो रही है इंक्रीज हो रही है ठीक है अच्छी हो रही है तो इस वजह से डेथ रेट इज़ वेरी लो तो लेकिन स्टिल बर्थ रेट इज़ हायर देन द डेथ रेट ये है तो दिस स्टेज इज नोन एज लेट एक्सपैंडिंग एंड दिस इज स्टेज थ्री एंड दिस इज द स्टेज वेयर व्हाट इंडिया इज फेसिंग राइट तो ये आपने इंपॉर्टेंट है याद रखना है ठीक है कमिंग अप टू स्टेज फोर इन स्टेज फोर वी हैव बर्थ रेट इज़ वेरी लो ना देखिए यहाँ पे लो और वेरी लो में डिफ्रेंशिएट आप देखिएगा ठीक है बर्थ रेट इज़ वेरी लो यानी बर्थ रेट जो है वो कम है एंड डेथ रेट इज़ वेरी लो डेथ रेट इज ऑल्सो वेरी लो ठीक है बर्थ रेट इज लो डेथ रेट इज लो यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल है जितनी बर्थ हो रही हैं उतनी ही डेथ्स भी हो रही हैं लेकिन बर्थ रेट भी बहुत कम है डेथ रेट भी बहुत कम है सो दिस इज द पॉइंट ऑफ लो स्टेशनरी स्टेज दिस इज द पॉइंट ऑफ लो स्टेशनरी ठीक है आप ये देखिए स्टेज वन और स्टेज फोर में आप एक टाइप का एक रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं कि स्टेज वन में बर्थ रेट इज हाई डेथ रेट इज हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर इक्वल सो दिस इज हाई स्टेशनरी स्टेशनरी था यहाँ पे बर्थ रेट इज वेरी लो डेथ रेट इज ऑल्सो वेरी लो इक्वल है बर्थ रेट और डेथ रेट यहाँ पे भी लेकिन यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है लो स्टेशनरी स्टेज ओके नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट वी हैव बर्थ रेट इज वेरी वेरी लो अब यहाँ पे बर्थ रेट जो है बहुत बहुत कम है और डेथ रेट इज वेरी लो ठीक है बर्थ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा ही कम हो गई है और डेथ रेट जो है वो लो है ठीक है देखिए बर्थ रेट कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ये हमारे आ, कंट्रोल में है यह चीज कि हम बर्थ मतलब आ, 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 ना ना हो ये तो हमारे कंट्रोल में है ना हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं दे आर मैनी वेज आउट कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हैं देर आर सो मैनी मैथड्स थ्रू विच वी कैन कंट्रोल द बर्थ रेट है ना देखिए एक मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी कि जैसे हम क्या करते हैं मैरिज की एज इंक्रीज करती है ना गवर्नमेंट ठीक है मैरिज की एज इंक्रीज़ रखी है ये क्यों की गई है इसका भी एक रीज़न ये भी है हाँ एक रीज़न तो ये भी है कि हाँ मेचोरिटी लेवल या बॉडी फिजिकली प्रिपेर्ड होनी चाहिए और और िटी लेवल होना चाहिए एसेट्रा एक्सेट्रा ठीक है बट एक रीज़न ये भी है एज ज़्यादा रखने का फॉर मैरिज ताकि इससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो इन अ कंट्री लाइक इंडिया अगर हम मैरिज की एज इंक्रीज़ कर दे कर देते हैं तो ऑब्वियसली जैसे हम मैरिज की एज इंक्रीज करोगे तो मतलब जैसे एज इंक्रीज़ होगी फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स ठीक है तो जो कॉन्सेप्शन के जो चांसेस होते हैं वो भी उतने ही कम हो जाते हैं राइट तो यानी कि बर्थ रेट इससे भी कंट्रोल होती है जब हम एज फॉर मैरिज इंक्रीज कर देते हैं ठीक है ओके ना चलिए ये तो खैर अलग बात बात रहेगी अब अगर हम बर्थ रेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बर्थ रेट इज वेरी वेरी लो ओके एंड डेथ रेट इज वेरी लो सो uh, so इस केस में क्या है कि बर्थ रेट जो है यहाँ पे बर्थ जो है वो बहुत कम हो रही हैं ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे बर्थ रेट बहुत कम हो रही हैं ऐसी स्टेज है ये ठीक है तो दिस इज द डिक्लाइनिंग स्टेज और नेगेटिव पॉपुलेशन स्टेज दिस इज दैट स्टेज डिक्लाइनिंग स्टेज यानी पॉपुलेशन जो है यहाँ डिक्लाइन करिए क्योंकि बर्थ्स बहुत कम हो रही हैं और डेथ्स तो कम हो रही हैं अब देखिए डेथ रेट को कम कर डेथ जो है ये हमारे हाथ में थोड़ी कम है हाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो ऑब्वियसली लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी लाइफ में बढ़ जाएगा लेकिन इतना भी मतलब इतने भी हमारे कंट्रोल में डेथ को मतलब कंट्रोल करना इतना भी हमारे बस में नहीं है जितना हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं ओब्वियसली तो तभी बर्थ रेट यहाँ पे इट्स वेरी वेरी लेस एंड डेथ रेट इज़ वेरी लो ओके सो दिस इज़ द डिक्लाइनिंग स्टेज और नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेज ओके सो दिस यूनिटी रिमेंबर अब ये पांच स्टेजेस हैं ये पांचों के पांचों स्टेजेस आपने याद रखनी है विद दियर नेम फर्स्ट इज हाई स्टेशनरी सेकंड इज अर्ली एक्सपैंडिंग थर्ड इज लेट एक्सपैंडिंग फोर्थ इज लो स्टेशनरी स्टेज एंड द फिफ्थ इज नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेज और डिक्लाइनिंग स्टेज ओके ऑल राइट ना देखिए यहाँ पे जो है आ, मैंने ये फ्रेम किया हुआ है कि अगर डेथ रेट हाई है और बर्थ रेट भी हाई है ये यूजली होगा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ओके इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज सिंस Uh, क्योंकि यहाँ पे बर्थ कंट्रोल मेजर्स नहीं है अवेयरनेस नहीं है ठीक है ऐसे मेजर्स अभी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसी में नहीं है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना ठीक है तो गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी ऐसे नहीं है तो या अवेयरनेस नहीं है मैथड्स नहीं है वैसे ठीक uh, है बर्थ रेट बर्थ रेट भी हाई है डेथ रेट भी हाई है सो दिस इज़ द केस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ओके ना वेर डेथ रेट इज लो एंड बर्थ रेट इज हाई दिस इज द केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज जैसे हमारी कंट्रीज में जैसे अगर मैं इंडिया की भी बात करूँ ठीक है डेवलपिंग कंट्रीज में हम आते हैं कि डेथ रेट जो है वो थोड़ी कंट्रोल्ड है लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई है सो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबली डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा आपको देखने को मिलेंगे फीचर्स एंड वेर डेथ रेट इज लो एंड बर्थ रेट इज ऑल्सो लो दिस इज द केस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ठीक है ओके नेक्स्ट uh, uh, मैंने एक ये इंपॉर्टेंट खैर ये एक अलग से एक अलग से एक चीज़ है अलग से एक नोट है ये जो आपने याद रखना है ये खैर इस पे मैं बाद में आती हूँ इस इस नोट पे ठीक है इसको हम बाद में करते हैं पहले आप ये देख लीजिए दिस इज दी पॉपुलेशन ट्रेंड इन इंडिया ना वॉट इज द पॉपुलेशन ट्रेंड इन इंडिया इंडिया में क्या पॉपुलेशन ट्रेंड रहा ईयर बाई ईयर ये मैंने यहाँ पे रखा है फ्रॉम एटीन नाइन्टी वन टू नाइनटीन ट्वेंटी वन वी हैव पीरियड ऑफ स्टेगनेट पॉपुलेशन ठीक है इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1891 से लेके ईयर 1891 से लेके नाइनटीन ट्वेंटी uh, तक जो uh, जो पॉपुलेशन थी वो स्टेगनेंट थी ओके स्टेगनेंट पॉपुलेशन थी ना इंक्रीज कर रही थी ना डिक्रीज कर रही थी स्टेग्नेट थी ठीक है देन फ्रॉम 1921 टू 1951 वी हैड अ पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ देन फ्रॉम 1951 टू 1981 वी हैड अ पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ एंड देन 1981 से 2011 वी हैड अ पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग रेट ठीक है तो ये भी आप ये चीज याद रखिएगा ठीक है ये चीजें आपने याद रखनी है ओके नाउ व्हाट हैपेंस इज देखिए नाउ विल कम टू दिस पॉइंट ये जो मैं आपको कह रही थी नोट है देखिए नोट क्या है कि जो ईयर 1921 है ना इस ईयर को आपने याद रखना है जो ईयर 1921 है this year is known as year of great divide or demographic divide but with respect to india see with respect to india now 1921 ka jo year tha isko hum india mein the year of great divide or year of demographic divide bhi kehte hain theek hai kyun kehte hain क्योंकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इस टाइम पे वो बहुत कम हो गई थी पॉपुलेशन ग्रोथ वाज वेरी लिमिटेड ठीक है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है in fact इट वॉज नेगेटिव मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो पहली बार ऐसा हुआ कि वो डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रही थी ठीक है लेकिन 1921 के बाद की जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो बढ़ती चली गई ठीक है तो 1921 हम इस ऐसे आपने याद रखना इन शॉर्ट कि आ, आ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड या डेमोग्राफिक डिवाइड कौन सा था ठीक है तो ऑप्शंस में भी 1921 1931 ठीक है या 1920 या 1919 इस तरीके से पूछ सकते हैं सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नाइनटीन ट्वेंटी वन ईयर इज़ नोन एज ईयर ऑफ रेडिट अब क्या हुआ इस ईयर में देखिए एक्चुअली क्या है कि देखो मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ कि अगर हम 1901 से लेकर 1911 ये 10 साल का जो टाइम स्पैन है इसको अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पे क्या था पॉपुलेशन जो है वो राइज पे थी पॉपुलेशन 5.9 परसेंट जो है वो इंक्रीज हुई थी फ्रॉम 1901 टू 1911 हंड्रेड पॉपुलेशन वॉज एक्चुअली राइजिंग 5.9 इंक्रीज था परसेंट का इंक्रीज था ठीक है उसके बाद 1911 से लेके 1921 का अगर मैं टाइम पीरियड बताती हूं तो यहां पे डिक्रीज इन पॉपुलेशन आई थी बहुत ज्यादा डिक्रीज भी नहीं थी बट देर वॉज अ डिक्रीज ऑफ पॉइंट थ्री नाइन परसेंट बट ये पहली बार ऐसा हुआ था कि पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रही थी पॉपुलेशन वॉज डिक्रीजिंग फ्रॉम नाइनटीन हंड्रेड इलेवन टू नाइनटीन ट्वेंटी वन का अगर हम ट्रेंड देखेंगे पॉपुलेशन का तो पहली बार जो पॉपुलेशन है वो हमें डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखी देर वॉज अ डिक्रीज ऑफ पॉइंट थ्री नाइन परसेंट ओके ना फ्रॉम नाइनटीन अब नाइनटीन ट्वेंटी वन से नाइनटीन ट्वेंटी वन से अगर मैं नाइनटीन थर्टी वन पर चली जाती हूँ तब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई टू इलेवन परसेंट ऑलमोस्ट 1920, 1921 से 1931, थर्टी वन देर वॉज इंक्रीज ऑफ 11 परसेंट दैन फ्राम नाइनटीन थर्टी वन टू नाइनटीन फोर्टी वन देर वॉज एन इंक्रीज ऑफ फोर्टीन परसेंट इन पॉपुलेशन ठीक है तो यानी कि इसके बाद 1921 के बाद जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती गई लेकिन 1921 से पहले का जो टाइम पीरियड है एंड 1911 तक एक्चुअली सो नाइनटीन बिटवीन 1911 नाइटीन हंड्रेड इलेवन टू नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी वन जो टेन ईयर्स का क्योंकि सेंसस हैपन्स आफ्टर एवरी टेन ईयर्स ठीक है तो अगर मैं वैसा तरीके से गैप बताऊँ आपको तो नाइनटीन इलेवन से नाइनटीन ट्वेंटी वन तक का जो पीरियड था इसमें डिक्रीज़ आई थी पॉपुलेशन में ठीक है तो दैट्स वाई फिर नाइनटीन ट्वेंटी वन के बाद पॉपुलेशन इंक्रीज ही होती गई सो दैट्स वाई दिस ईयर इज़ नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड और डेमोग्राफिक डिवाइड ठीक है ये पॉपुलेशन ट्रेंड्स आपने याद रखने हैं ये आप याद रखिएगा ठीक है कि 1891 से लेके 1891 ठीक है टू नाइनटीन इसको बोला जाता है स्टेगनेंट पॉपुलेशन 21 से 51 का जो ईयर था उसको कहा जाता है पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ देन 51 से 81 कहा जाता है पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ एक्चुअली इस पीरियड में देखेंगे आप 1951 से लेके 1981 का जो टाइम पीरियड था इसमें आप देखेंगे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पॉपुलेशन वॉज वेरी वेरी हाई ठीक है 1981 तक फिर 1981 के बाद जो है कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग लाया गया था ठीक है देर वॉज एन देर वॉज सम अवेयरनेस विच वॉज क्रिएटेड अमंग द मासेज तो नाइनटीन एटी वन के बाद जो है हम देख सकते हैं कि uh, जो uh, जो फैमिली प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है या जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के जो मेजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिए गए थे नाइनटीन एट्टी वन के बाद अगर हम देखेंगे ठीक है देन नाइनटीन एट्टी वन टू टू थाउजेंड इलेवन देर वॉज अ पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग रेट ओके ओके नाउ सी देर आर सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज वी फ्रीक्वेंटली यूज़ इन डेमोग्राफिक्स देर आर सो मैनी टर्मिनोलॉजीज़ एक्चुअली इन इन डेमोग्राफी जो हम uh, बहुत यूज़ करते हैं ओके okay? तो इनके कुछ डेफिनेशन जो हैं इम्पॉर्टेंट व्हिच विल डिस्कस ओके जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगी क्रूड बर्थ रेट की देखिए अगर हम डेमोग्राफिक की बात करते हैं तो मैंने पहले ही आपको बताया कि देर इज देर इज बर्थ डेथ माइग्रेशन ये चीज़ें हम काफी ज्यादा हम स्टडी करते हैं डेमोग्राफिक्स में ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रूड बर्थ रेट की ना वॉट इज दिस क्रूड बर्थ रेट दिस इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर थाउजेंड पॉपुलेशन इन अ गिवन ईयर ओके तो इसको कहते हैं क्रूड बर्थ रेट नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स को आपने डिवाइड करना है पर थाउजेंड पॉपुलेशन से ओके okay? जितनी मिड ईयर पॉपुलेशन है इन टू थाउजेंड कर देना है तो दैट और नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स तो दिस इज योर क्रूड बर्थ रेट ओके नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज दिस इज बर्थ नहीं है ये डेथ है ठीक है डेथ कर देना इसको क्रूड डेथ रेट नाउ व्हाट इज दिस क्रूड डेथ रेट क्रूड डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर थाउजेंड पॉपुलेशन इन अ ईयर अगेन नंबर ऑफ डेथ्स हमने करना है नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय जो मीडियर पॉपुलेशन होगी इन टू थाउजेंड सो दैट विल गिव अस क्रूड डेथ रेट ओके नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डेंसिटी नाउ व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी इज कितनी पॉपुलेशन है पर स्क्वायर एरिया पर स्क्वायर एरिया पर स्क्वायर रीजन ठीक है नेक्स्ट वी हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज दैट हाउ लॉन्ग पीपल आर सपोज टू लिव ठीक है कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कितनी uh, num, uh, मतलब हाउ लॉन्ग कितनी देर तक जो है लोग जिंदा रह सकते हैं कंट्री में ठीक है दे आर एक्सपेक्टेड टू लिव सो दैट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी नेक्स्ट इज द एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी मतलब पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल और टू स्लो डाउन दी पॉपुलेशन ग्रोथ ठीक है जब पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो डाउन करने के लिए या पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए जो पॉलिसीज गवर्नमेंट अपनाती है उसको कहते हैं एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी ठीक है जैसे इन अ कंट्री लाइक इंडिया और इन अ कंट्री लाइक चाइना वेर द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट वेरी फास्ट रेट देयर एंटी नेट यहाँ ऐसी कंट्रीज में एंटी नेटलिस्ट पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाएगी ओके नेक्स्ट इज वी हैव प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी ओके नो वॉट इज दिस प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी इट इज़ जस्ट अपोजिटिफ़ एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी ना इन द कंट्रीज लाइक इंडिया जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे एंटी नेटलिस्ट पॉलिसीज की जरूरत है ना देर आर सम कंट्रीज जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ इज वेरी लेस ठीक है एंड दी गवर्नमेंट गिव सर्टन रिवार्ड एंड सर्टन प्रिवेलेज टू दोज पीपल ठीक है जो कि पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे या जहाँ पे बर्थस होंगी ठीक है नो देट इज़ दी प्रो नेटलिस पॉलिसी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू इंक्रीज और रेज दी पॉपुलेशन ग्रोथ जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाएगा इंक्रीज किया जाएगा दैट इज द प्रो नेट लीस्ट पॉलिसी ओके नेक्स्ट इज द एज डिपेंडेंसी एज डिपेंडेंसी का मतलब है कि दैट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट नीड्स इकोनॉमिक सपोर्ट ठीक है वो पॉपुलेशन जिनको इकोनॉमिक सपोर्ट जो है देनी पड़ती है दैट इज़ द एज डिपेंडेंसी ठीक है आप कौन सी वो पॉपुलेशन है जिसको इकोनॉमिकली सपोर्ट करना करना पड़ता है बच्चों को ठीक है दे चिल्ड्रन जो हैं जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं ठीक है थीके? उनको वो दे आर डिपेंडेंट अपॉन देयर पेरेंट्स और अपॉन देयर गार्डियंस ठीक है और अगर हम ओल्ड एज लोगों की बात करें तो दे आर ऑल्सो अगेन डिपेंडेंट अपॉन अपॉन दी अपॉन फैमिलीज ठीक है तो अपॉन अदर्स फॉर इकोनॉमिक सपोर्ट तो दैट इज हु दू नॉट एक्चुअली द पीपल हु के नॉट वर्क दम सेल्व ठीक है जो कि काम नहीं कर सकते तो वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं तो दैट इज द डिपेंडेंसी ओके आई एम टॉकिंग अबाउट ठीक है नेक्स्ट इज माइग्रेशन ना वट इज़ दिस माइग्रेशन दिस इज द डिस्प्लेसमेंट और द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर इट मे बी परमानेंट और टेम्प्रेरी माइग्रेशन ठीक है तो माइग्रेशन इज़ वॉट जब लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होते हैं मूव करते हैं डिसप्लेस होते हैं परमानेंटली भी हो सकते हैं टेम्प्ररी भी हो सकते हैं ना देर आर इंटरनल माइग्रेशन एंड देर आर एक्सटर्नल माइग्रेशन इफ यू टॉक अबाउट इंटरनल माइग्रेशन इंटरनल माइग्रेशन मतलब विदिन अ कंट्री विदिन अ कंट्री जब माइग्रेशन होती है उसको इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वी है रूरल टू रूल माइग्रेशन रूरल टू रूरल माइग्रेशन कब होगा ये जैसे मोस्टली इट इज डन इन वेमेन पॉपुलेशन वेमेन पॉपुलेशन थ्रू मैरिज तो मैरिज होगी एक रूरल एरिया से दूसरे रूरल एरिया में तो दैट इज ऑल्सो माइग्रेशन ठीक है विद इन द कंट्री हो रही है रूरल टू रूरल एरिया में हो रही है रूरल टू अर्बन तो पता ही है हमें इनके इन फॉर सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बेटर जॉब इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो रूरल टू अर्बन लोग जो है मूव करते हैं अर्बन टू अर्बन फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी तो दैट इज़ फ्रॉम वन अर्बन एरिया टू अनदर अर्बन एरिया सो दिस इज़ अगेन द माइग्रेशन वी हैव अर्बन टू रूरल अर्बन टू रूरल इज़ बैक टू विज है ना रिवर्स माइग्रेशन कि भई अब अरबन लाइफ हमने बहुत देख ली अब हम थक चुके हैं हमें वापस जो है गाँव में जाना है अच्छी हरियाली में रहना है विद क्लीन इन्वायरमेंट है तो पीपल आर एक्चुअली मूविंग फ्रॉम अर्बन एरियाज टू रूरल एरियाज सो दैट इज द रिवर्स माइग्रेशन विच हैप ठीक है नेक्स्ट इज वी हैव एक्सटर्नल माइग्रेशन एक्सटर्नल माइग्रेशन मीनस की वैन रिफ्यूजीज आर देयर वैन देर इज अ पुल फैक्टर विच इज वॉलेंट्री देर इज पुश फैक्टर विच इज फोर्स ठीक है अपूल uh, और पुश फैक्टर में देखिए जैसे पुश फैक्टर में देर इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूक्रेन और रशिया में जो भी हो रहा है सबको पता है ठीक है देर इज़ अ वॉर सिचुएशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन तो यूक्रेन से जो लोग मूव कर रहे हैं ना ठीक है दैट इज द फोर्स माइग्रेशन ठीक है वो अपनी विलिंगली वॉलेंटरली नहीं जा रहे हैं ठीक है यूक्रेन से जो अभी हमने जैसे पढ़ा कि यूक्रेन की जो कैपिटल है कि वहाँ से लोग जो है छोड़ के जा रहे हैं नियर बाई कंट्रीज़ ठीक है Uh, जा रहे हैं सपोज पोलैंड में जा रहे हैं कहीं और जा रहे हैं सो दैट इज़ दी फोर्ज माइग्रेशन ठीक है दैट इज़ दी फोर्ड माइग्रेशन ओके जो पुश फैक्टर uh, जो होता है ओके पुल फैक्टर इज वॉलेंटरली जब हम जाते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ वी हैव इमीग्रेशन एंड एमीग्रेशन इमीग्रेशन इज़ इन वेन समबडी एंटर्स योर कंट्री ठीक है तो दैट इज़ द इमीग्रेशन एमीग्रेशन इज़ वेन यू एग्जिट योर कंट्री तो ई एक्चुअली स्टैंड फॉर एग्जिट इस तरीके से आप याद याद रख सकते हैं आई स्टैंड फॉर इन से याद रख सकते हैं ठीक है आई से आप इन से याद रख सकते हैं ये इमीग्रेशन ठीक है इसकी हमारी कंट्री में आना एक, और इमीग्रेशन इस कंट्री को छोड़ के जाना दैट इज द एग्जिट ओके ना दिज आर द एक्सटर्नल माइग्रेशन ना वॉट इज ब्रेन रेन ब्रेन रेन इज कि जब हमारी हमारी कंट्री uh, में से मतलब एक कंट्री का जो कोई स्किल्ड इंसान है एजुकेटेड इंसान है ट्रेन्ड इंसान है वो हमारी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाएगा तो दैट इज़ दी ब्रेन ड्रेन मतलब हमारी कंट्री का जो ब्रेन है वो ड्रेन हो रहा है ठीक है तो फ्रॉम वन कंट्री व्हेन समबडी मूव्स टू मूव्स टू अदर कंट्री हु इज़ हाईली स्किल्ड हु इज़ ट्रेन्ड ठीक है जैसे हमारी कंट्रीज के डॉक्टर्स हैं इंजीनियर्स हैं हाईली स्किल्ड लोग हैं वो हमारे कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री को सर्व करने के लिए जाते हैं सो दैट इज अ ब्रेन ड्रेन ओके नेक्स्ट इज द सेक्स रेशो सेक्स रेशो इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स इन द पॉपुलेशन ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंडिया की सेक्स सेक्स शो लिखी है एज पर द लेटेस्ट विच इज सेंसस ऑफ टू थाउजेंड ईर टू थाउजेंड इलेवन ठीक है तो दैट इज जैसे कि नाइन फोर्टी फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स हैं ओके सो दैट इज द दैक्स रेशो नेक्स्ट वी हैव देखिए ये uh, जो है ये तो खैर डाटा है ही फॉर्मल डाटा ऑथेंटिक डाटा है ही सेंसस 2011 का देर इज ए नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो कि कैरी आउट हुआ है विच वॉज कैरिड आउट फ्रॉम 2019 थाउजेंड इट हैज़ फाउंड दैट इंडिया हैज़ नाउ 1020 जीरो टू जीरो वेमेन फॉर एवरी थाउजेंड मैन ठीक है तो अभी मतलब अभी खैर अभी जो लेटेस्ट सेंसस आना है अभी लेटेस्ट सेंसेस वॉज सपोज टू बी प्लान इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में लेटेस्ट सेंसेस आना था बट ड्यू टू कोविड कोविड की वजह से ये सेंसेस जो है डिले हो डिले हो गया है ठीक है ये सेंसेस अभी आया नहीं है तो अभी जब लेटेस्ट सेंसेस आएगा उसमें हमें पता चलेगा सेक्स रेशो के बारे में लेकिन ये जो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे है ना इसने एक्चुअली अभी कुछ फैमिलीज़ का ठीक है सम फैमिलीज़ Uh, कुछ फैमिलीज़ का जो है डाटा हाउस होल्ड डाटा जो है वो लिया है और इसके अकॉर्डिंगली जो यू कैन से दिस सेक्स रेशो इज़ वन जीरो टू जीरो पर थाउजेंड मैन यानी कि इंक्रीज हो गई है एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ नेक्स्ट सेंसस में अभी ये डाटा देखो एग्जाम में ये डाटा अभी नहीं आएगा क्योंकि ये डाटा अभी एक्चुअली ये जो डाटा है ये हम सेंसस के अकॉर्डिंगली ही लेते हैं अब जब नेक्स्ट सेंसस आएगा 2022 में या 2023 में जब भी नेक्स्ट सेंसस डाटा पब्लिश होगा उसमें ये रिपोर्ट एक्चुअली फाइनल आएगी क्योंकि ये अभी पूरा डाटा नहीं है ये अभी कुछ फैमिलीज के मतलब ये लिमिटेड डाटा है अभी लिमिटेड हाउस होल्ड का डाटा है ठीक है विच इज मे बी विल वी कैन सी एन सी एन इंक्रीज इन दिस एक्स रेशो तभी आई रिटर्न ओवर हेयर कि वी कैन सी अ इंक्रीज इन दिस एक्स रेशो

Uh, इसने ये कैरी आउट किया है जिसके अकॉर्डिंगली वन जीरो बट फॉर 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 एग्जाम्प रिलेटेड डेटा यू हैव टू कंसीडर सेंसस 2011 का ही डेटा आपने कंसीडर करना है ठीक है तो सेंसस जो है ये एवरी टेन इयर्स किया जाता है ना द हर दस साल के बाद किया जाता है तो लेटेस्ट जो है 2011 का ही डेटा है अभी हमारे पास ओके okay? जिसमें 940 फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स हैं ओके नेक्स्ट इज लिटरेट लिटरेट की क्या डेफिनेशन है तो लिटरेट इज़ वन देखिए लिटरेट कौन होता है लिटरेट इज़ वन जिसकी सात साल की एज हो या सात साल से ऊपर या तो सात साल की इक्वलेंट हो या सात साल से ऊपर हो ठीक है एंड हु कैन रीड एंड राइट जो लिख सकता है लिख सकता है ठीक है पढ़ सकता है एंड वन हु कैन अंडरस्टैंड एनी वन लैंग्वेज ठीक है कोई भी एक लैंग्वेज जिसको आती हो अंडरस्टैंड करता हो रीड करता हो राइट करता हो सेवन ईयर्स से अबव अब हो ठीक है उसको हम लिटरेट बोलेंगे ओके नाउ इंडिया की लिटरेसी रेट जो है वो कितनी है दैट इज सेवेंटी फोर पॉइंट फोर परसेंट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हमारी लिटरेसी रेट कितनी है हमारी कंट्री की सेवेंटी फोर पॉइंट फोर परसेंट लिटरेसी रेट है ठीक जिस है जिसमें कि मेल लिटरेसी रेट है 82.14 पॉइंट वन परसेंट फॉर मेल्स एंड सिक्सटी फाइव पॉइंट फोर सिक्स परसेंट फॉर फीमेल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डाटाज तो आपने याद रखने हैं क्रैम करने ये डाटाज आपने याद रखने हैं ठीक है थीके? इनका तो कोई और वे आउट है नहीं यू हैव टू रिमेंबर दिस दिस डाटा ओके नेक्स्ट आई हैव टेकन की जो सेंसस है बेसिकली सेंसस टू थाउजेंड इलेवन जो था इंडिया का अभी हम उसका वो डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए फर्स्ट सेंसस जो है इंडिया में वो हुआ था सबसे पहले एटीन सेवनटी टू में तब वाइस रॉय थे मयो ठीक है मेयो जो है वो वाइस रॉय थे इस टाइम पे 1872 में ये डाटा था एंड दैट वाज नॉट कंप्लीट सेंसस ये कंप्लीट सेंसस नहीं था ठीक है मैंने हिस्ट्री के लेक्चर्स लिए हैं तब भी जब हमने uh, वाइस रॉय मेयो को डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि मेयो के टाइम पे एक इनकम्प्लीट सेंसस हुआ था सबसे पहले एटीन में ठीक है तो एटीन में वाइस रॉय मेयो के अंडर एक इट वॉज नॉट अ कम्प्लीट सेंसस दो बट इट वॉज द फर्स्ट सेंसस विच वॉज हेल्ड इन इंडिया ठीक है नेक्स्ट सेंसस जो है और द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज हेल्ड इन 1881 अंडर वॉइस रॉय रिपन ठीक है तो अगर मैं 1881 से आज की मतलब 2011 की बात करती हूं तो दिस वाज द दिफ्टींथ सेंसस ठीक है फिफ्टींथ सेंसस था ये 2011 का 1881 से ऑनवर्ड्स ठीक है और अगर मैं इंडिपेंडेंस की बात करती हूं यानी 1947 तो पहले सबसे पहले सेंसस जो है फिफ्टी वन में हुआ ठीक है अगर मैं इंडिपेंडेंस के बाद की बात करती हूं इंडिपेंडेंस के बाद की uh, बात करती हूं टू थाउजेंड इलेवन सेंसस तक तो दैट वॉज द सेवन सेंसस विच वॉज हेल्ड ठीक है दैट ऑज सेंसस ओके ऑल राइट नाउ आफ्टर सी आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन 1951 है ना जो हमने डिस्कस किया और सेंसस जो है ये हर 10 साल के बाद होता है लेटेस्ट सेंसस जो है 2011 का है ओके okay. और ये कौन कंडक्ट करवाता है जो सेंसस है दिस ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ठीक है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी 2011 सेंसस के अगर मैं मोटो की बात करूं तो दैट इज आर सेंसस आर फ्यूचर ठीक है ये टैगलाइन है या ये मोटो है टू थाउजेंड इलेवन का आर सेंसस आर फ्यूचर ओके अब बात करते हैं डाटा की बात कर लेते हैं तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर सेंसस टू थाउजेंड इलेवन इज वन ट्वेंटी वन करोड़ और वन पॉइंट टू बिलियन ठीक है सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट ये डाटा आपने याद रखना ही रखना है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट था इस डाटा में मैंने सब यहाँ पे लिखा हुआ है आपको ये सब याद रखना है ठीक है ओके मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इज उत्तर प्रदेश विथ ट्वेंटी करोड़ पॉपुलेशन फॉलोड बाय महाराष्ट्र इलेवन करोड़ बिहार टेन करोड़ ठीक है तो सबसे आपने टॉप थ्री याद रखने हैं उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार ये तीनों याद रखने हैं टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ठीक है लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की बात करूं तो दैट इज सिक्किम ओके मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो दैट इज डेली लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो दैट इज लक्षदीप ठीक है देखिए इस टाइम पे 2011 का जब ये सेंसस हुआ था तब हमारी जो जे एंड के हमारी स्टेट जो है मतलब हमारी यूटी जो है उस टाइम पे स्टेट थी अभी उसको uh, मतलब नाउ इट इज़ यूटी बट एट दैट टाइम दैट वाज स्टेट ठीक है उस टाइम पे इसको स्टेट ही कंसीडर uh, करके ही हमने सेंसस जो है इसका डाटा बनाया है ठीक है एंड लद्दाख वाज आल्सो द पार्ट ऑफ जे एंड के ओनली एट द टाइम वी हैव जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है पूरी स्टेट थी ठीक है ओके okay. नाव uh, अगर हम सेक्स रेशो की बात करें इंडिया के सेक्स रेशो की बात करें तो दैट इज़ नाइन फोर्टी पर थाउजेंड जो हम ऑलरेडी मैं डिस्कस कर भी चुकी हूँ ये ठीक है ओके स्टेट विद हाईएस्ट सेक्स रेशो सबसे ज्यादा सेक्स रेशो जो है कौन सी स्टेट में है तो दैट इज केला वहां पे आपको 1084 जीरो एट फोर वीमेन मिलेंगी थाउजेंड मेल ठीक है ओके okay. और हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी केरला की ही है ठीक है ओके स्टेट विद लोएस्ट सेक्स रेशो लोएस्ट सेक्स रेशो कहां पे है हरियाणा में है ठीक है हरियाणा में जो है लोएस्ट सेक्स रेशो है यहां पे फीमेल फिटिसाइड के बड़े सारे इंसिडेंट जो है देखने को मिलते हैं तो दैट इज 879 पर थाउजेंड ओके 879 पर थाउजेंड मेल्स uh, ये या आपने याद रखना है नाउ यूटी विद हाइएस्ट सेक्स रेशो दैट इज पुडुचेरी यूटी विद लोएस्ट सेक्स रेशो दैट इज दमन एंड ड्यू आप अच्छे से इनको पढ़ लेना एक बारी फिर से ठीक है अच्छे से इनको आप रिवाइज कर लेना लिटरेसी रेट की बात करें तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ये लिटरेसी रेट हमने ऊपर पहले भी डिस्कस किया तो लिटरेसी रेट इज सेवेंटी परसेंट फॉर इंडिया मेल्स के लिटरेसी रेट है एटी परसेंट एंड फीमेल्स का है परसेंट ओके स्टेट विद लिटरेसी रेट दैट इज केरला स्टेट विद लोएस्ट लिटरेसी रेट दैट इज बिहार लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार हाइएस्ट इज केरला ओके यूनियन टेरिटरी विद हाइएस्ट लिटरेसी दैट इज लक्षद्वीप ओके स्टेट विद हाइएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इज डेली देन गोवा ओके अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पर है डेली में है उसके बाद गोवा में है ठीक है डिस्ट्रिक्ट विद हाइस्ट पॉपुलेशन दैट इज थाने कौन सी ऐसे डिस्ट्रिक्ट है हमारी इंडिया में हमारे इंडिया में कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है तो दैट तो इज थाने विच इज इन महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट पॉपुलेशन सबसे कम पॉपुलेशन जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो दैट इज दिबांग विच इज इन अरुणाचल प्रदेश ओके नंबर ऑफ विलेजेस कितने विलेजेस जो है वो कवर हुए थे वो कवर हुए थे 2011 सेंसस में तो दैट इज दैट वाज सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्स एट सिक्सटी सेवन ठीक है आप रफली सिक्स तरीके से आप याद रख सकते हैं ठीक है सिक्स लाख इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, हैं। रफली कि इतने विलेजेस जो है देवर देवर इंक्लूडेड ओके इन सेंसेस टू थाउजेंड इलेवन ओके अर्बन पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं इफ़ आई टॉक अबाउट अर्बन पॉपुलेशन तो अर्बन पॉपुलेशन जो है दैट इज थर्टी वन पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया ओके अर्बन पॉपुलेशन कितनी है थर्टी वन पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ठीक है अगर uh, मैं इंडियन सेंसस डे की बात करूँ तो वी सेलिब्रेट इट ऑन नाइन्थ फेबररी ठीक है नाइन्थ फेबररी को हम इंडियन सेंसस डे जो है सेलिब्रेट करते हैं और अगर हम वर्ल्ड सेंसस डे की बात करें तो वी सेलिब्रेट इट ऑन फर्स्ट अप्रैल जो कि आने ही वाला है ठीक है तो फर्स्ट अप्रैल को हम वर्ल्ड सेंसस डे जो है वो भी सेलिब्रेट करते हैं ठीक है इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ओके okay. ना बात करें देखो कुछ यहाँ पे मैंने डाटा uh, जो है जे एंड के हमारे स्टेट का भी लिया है हमारी स्टेट हमारी यूटी ठीक है और है ये 2011 सेंसस का ही डाटा है ये ठीक है ओके सो द टोटल पॉपुलेशन ऑफ जे एंड के इज वन करोड़ और 1.26 करोड़ भी आप कह सकते हैं ठीक है 1.25 टू 1.26 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है सेक्स रेशो जो है दैट इज 889 पर थाउजेंड Uh, okay. डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशो दैट इज़ कुलगाम सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है हमारी कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है तो दैट इज़ कुलगाम में है 951 अपॉन वन थाउजेंड एंड शोपिया में ठीक है शोपिया में भी 951 अपॉन वन थाउजेंड जो है पर मेल्स ये मेल्स दिस इज़ द सेक्स रेशो डिस्ट्रिक्ट वाइज ओके लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करती हूँ तो टोटल लिटरेसी रेट हमारे स्टेट की है सिक्सटी ओके सिक्सटी जो है लिटरेसी रेट है हमारे स्टेट हमारी स्टेट की मेल के हैं सेवेंटी एट पॉइंट टू सिक्स विद हाइस्ट लिटरेसी सबसे ज्यादा लिटरेसी जो है किस डिस्ट्रिक्ट है तो दैट इज में एटी थ्री पॉइंट लिटरेसी रेट है और लोएस्ट लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज रामबन डिस्ट्रिक्ट ठीक है रामबन डिस्ट्रिक्ट में लोएस्ट लिटरेसी रेट विधानस नाइन जीरो अगर डेंसिटी की बात डेंसिटी पर पर्सन कितनी है पर स्क्वायर किलोमीटर तो 124 परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर 124 परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर दिस इज द डेंसिटी ये डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी है ये हमारे स्टेट की ठीक है सो दिस इज अबाउट डेमोग्राफी ओके डेमोग्राफी में uh, ये है और इसका पी जो है आपको मिल जाएगा ठीक है आई एल पोज दिस पी डी एफ ऑल्सो ऑफ दिस टॉपिक तो आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए ओके okay? अच्छे से आप इसको रिवाइज कर लेना ठीक है देखिए एक uh, ये है अगर मैं हमारी स्टेट की बात करूं तो जैसे मैंने वन uh, सेकेंड हम स्टेट uh, की मैंने बात की इसमें ठीक है तो हाईएस्ट सेक्स रेशो की मैंने बात की है यहां पे अगर मैं लोएस्ट सेक्स रेशो की बात करूं ना डिस्ट्रिक्ट वाइज तो दैट वॉज ले ठीक है बट चलिए अभी जो नेक्स्ट सेंसस आएगा ले जो है अभी इट uh, इज़ uh, मतलब अभी ये सेपरेट हो चुका है सेपरेट यूटी है हमारी जे के जो है वो सेपरेट यूटी बन चुका है बट हाँ ये क्योंकि 2011 सेंसस की बात हो रही थी यहाँ पे तो अगर मैं जे के की, की बात करूँ तो इस टाइम पे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली जो लोअर सेक्स रेशो था वो ले में था ठीक है वो किस में था ले में था फाइव था ठीक है फाइव पर थाउजेंड तो ओके okay. तो यहां पर हाइएस्ट जो सेक्स सेक्सुश दैट वॉज इन कुलगाम एंड शोपिया और लोएस्ट जो था वो ले में था ठीक है तो चलिए ये था आज का लेक्चर अबाउट डेमोग्राफी नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन टॉपिक इन योर इन इकोनॉमिक्स ऑफ योर सिलेबस दैट इज सोशल सेक्टर इनिशिएटिव तो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव जो है बहुत जल्द मैं आपके साथ वो भी लेके आऊंगी आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट टूडे सेशन टेक केयर बाय बाय कीप स्टार्टिंग